हेलो, आज हम बना रहे हैं पनीर मसाला। ये यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्च और टमाटर चॉप करके रखे हैं, रफली चॉप किए हैं। यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैंने डाला थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद जो प्याज मैंने रफली चॉप की थी वो डाल दी है। हमें इन्हें हल्का फ्राई करना है, थोड़ा सा इनका कलर सुनहरा हो जाए प्याज का। जैसे ही प्याज का कलर सुनहरा होगा हम इसमें अपने टमाटर ऐड कर देंगे जो मैंने काट के रखे हुए हैं। टमाटर ऐड करते हैं और अब हमें अच्छे से मिक्स करना है और इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। कम से कम हमें पाँच मिनट भूनना है अच्छे से। दोनों चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। यहाँ पे हमने कुछ सूखे मसाले रखे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी है, गरम मसाला है, नमक है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है और शाही पनीर मसाला। पनीर तो चाहिए हमें। सारी चीज़ें यहाँ हैं। अब हमने जो अपना अपना प्याज और टमाटर भूना था उसको हमें ठंडा करने के बाद मिक्सर में डाल के हमें इसको फाइनली इसका एक पेस्ट बनाना है। हाँ, याद रखें ठंडा होने के बाद ही पीसे। यहाँ पे मैंने पीस लिया है इसको, ऐसा पेस्ट बन गया है काफ़ी अच्छा सा। कढ़ाई चढ़ा दी है हमने, इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी खाने का तेल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप खाते हैं अपने घर में। मैंने डाला है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। अब डालेंगे इसमें हम, जैसे ही गर्म हो जाएगा, जीरा डालने के बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हमने अपनी ग्रेवी बनाई थी उसको भी डाल देंगे साथ में और उसे अच्छे से भूनेंगे। याद रखें कि भूनना बहुत ज़रूरी है और जब तक उसका साइड से ऑयल में निकलने लग जाए आप इसे अच्छे से भूनेंगे। और ये हमारे कुछ गर्म मसाले हैं जो हम इसमें डाल देंगे। सारे गर्म मसाले डालने के बाद इसे हमें अच्छे से भूनेंगे। भून लिया है, ये भून चुका है यहाँ पे सारा मसाला अच्छे से। और यहाँ पे जो हमारा शाही पनीर मसाला था वो मैंने डाल के मिक्स कर लिया था। फिर मैंने इसमें थोड़ा गर्म पानी डाला, ठंडा पानी ना यूज़ करें, गर्म पानी ही डालें। गर्म पानी डालने के बाद थोड़ी देर भूनें और फिर ऊपर से पनीर की पीसेस को डाल दें। हार्डली इस रेसिपी को बनने में 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट से ज़्यादा कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। हाँ, जो शुरुआत में थोड़ा जो प्रोसेस है वही है। हमारी